हम विश्वास रखते हैं सच्ची खबरों पर, खबरें जो जगाएंगी आपको। इजराइल पर हमले के बाद बंदगों को शिफा अस्पताल ही क्यों लाया हमास? क्रूरता बबरता के बीच इलाज की क्या है सच्चाई? इजराइल डिफेंस फोर्स ने गाजा के अल शिफा अस्पताल का एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में हमास के आतंकी इजरायली बंदकों को जबरन अस्पताल में ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स ने वीडियो जारी कर कहा कि हमास द्वारा 7 अक्टूबर के नरसंहार के बाद बंदकों को शिफा अस्पताल में लाया गया था। 7 अक्टूबर के बाद शुरू हुए इजराइल हमास युद्ध के एक महीने से अधिक का समय हो गया है। इजरायली सेना लगातार हमास के ठिकानों को तबाह कर रही है। इस बीच इजराइल डिफेंस फोर्स ने गाजा के अल शिफा अस्पताल का एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में हमास के आतंकी इजरायली बंदकों को जबरन अस्पताल में ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स ने वीडियो जारी कर कहा कि हमास द्वारा 7 अक्टूबर के नरसंहार के बाद बंदकों को शिफा अस्पताल में लाया गया था। ITF ने कहा कि 44 दिन बाद, जो पूरी दुनिया को पूछना चाहिए। इजराइल डिफेंस फोर्स ने कहा कि जब 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल में नरसंहार किया था तो उसके बाद बंदकों को शिफा अस्पताल में रखा था। उन्होंने कहा कि वह बंदियों के इलाज के लिए अस्पताल लाया था, जबकि सच ये है कि अल शिफा अस्पताल जाने के रास्ते में बहुत अस्पताल पड़े थे, लेकिन उन्हें वहां नहीं ले जाया गया। इजरायली सेना ने हाल ही में गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा में सर्च ऑपरेशन चलाया था। इस दौरान इजराइल डिफेंस फोर्स ने अस्पताल में मौजूद हमास की सुरंग को ढूंढ निकाला था। इजराइल ने दावा किया कि अस्पताल में मौजूद इस सुरंग से ही हमास अपने ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है।